अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस रमशा खान फ्रॉम द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद खान गोरिस्तान जौहर कैंपस। टुडे माय वीडियो इज़ रिलेटेड टू क्लास 8 मैथ सब्जेक्ट, और जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है चैप्टर नंबर 7 प्रॉफिट एंड लॉस इंश्योरेंस और टैक्सेस। ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 7 है, और इस जो टॉपिक मेन सब टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो कि हम कैलकुलेट कैसे करते हैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है। और वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस हम इसमें डिस्कस करेंगे, इंश्योरेंस क्या होती है, इंश्योरेंस के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। देन हम करेंगे लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और टाइप्स ऑफ टैक्सेस और इनकम। अच्छा, तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेसिकली प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट बेसिकली आपका, आप एक ऐसा समझ लें कि प्रॉफिट आपका वो होता है, मतलब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल अगर कोई रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हो, लाइक आपने वो ज़्यादा प्राइस में परचेज़ किया लेकिन उससे आप कम प्राइस में परचेज को सेल करते हो, तो ये फिर आपको प्रॉफिट होता है। सॉरी नहीं, ये आपको लॉस होता है कि आप ज़्यादा पैसों की चीज़ को कम पैसों में डिस्कस वो सेल कर रहे होते हो, तो वो आपका लॉस कहलाता है। और प्रॉफिट ऑन द अदर हैंड इज़ द ऑपोजिट, कि लाइक आप ज़्यादा कम पैसों में ख़रीद रहे हो एंड यू आर सेलिंग इट एट हायर प्राइस। सो इसका फॉर्मूला ये होता है, प्रॉफिट हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जिसमें आपकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी होती है। और लॉस ऑन द अदर हैंड, हम ज़्यादा कम पैसों में चीज़ें ख़रीदते हैं और उससे ज़्यादा पैसों में सेल करते हैं, तो हमको लॉस होता है। तो इसका ये आपका लॉस इस तरीके से होता है, एस पी जो होता है सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से छोटा होता है इन लॉस। अच्छा, प्रॉफिट परसेंटेज आपकी क्या होती है? प्रॉफिट परसेंटेज होती है उसका, वो कैलकुलेट इस फॉर्मूले से होती है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ये परसेंटेज होती है सिंपल, आप प्रॉफिट फर्स्ट प्रॉफिट निकालेंगे, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय कॉस्ट प्राइस, और फिर उसको टोटल को आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसकी एक एग्जाम्पल है, जैसे कि इसमें हमें कॉस्ट प्राइस 2000 दी हुई है, सेलिंग प्राइस हमें 2200 दी हुई है। सो फर्स्ट हम प्रॉफिट निकालेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपको 2200 माइनस 200 यू गॉट 200। फिर परसेंटेज प्रॉफिट आप निकालेंगे, प्रॉफिट आपका 200 आ गया, कॉस्ट प्राइस आपने 2000 थी, उसको डिवाइड करके आप 100 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, यू गॉट परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ 10%। ठीक है, ये वाली भी एग्जांपल यही है कि इसमें 6400 आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस आपको 6400 दी हुई है, प्रॉफिट आपका हुआ 400 का, फिर आपने 400 को 600 से डिवाइड कर दिया, जब मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, आपके पास आंसर प्रॉफिट में आ गया 66.7%। अच्छा, अब आपका है परसेंटेज लॉस। परसेंटेज लॉस कैसे निकलती है? परसेंटेज लॉस इज कैलकुलेटेड एज टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब ये कॉस्ट प्राइस के ही टर्म से निकलती है, ये सारी आपकी कॉस्ट प्राइस से ही परफॉर्मेंस ही होती है। परसेंटेज लॉस इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करेंगे, लॉस आपका लॉस आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हुआ है कि आपको कॉस्ट प्राइस 1300 दी हुई है और सेलिंग प्राइस आपको 1000 दी हुई है, तो आपका लॉस हुआ 300 का, फिर आप 300 डिवाइड बाय 13000 मल्टीप्लाई बाय 100 आप कर दिया, तो आपका परसेंटेज लॉस 23.07% का आ गया। ठीक है, तो बस ये सब इसकी एग्जांपल्स ही हैं, ये और एग्जांपल्स हैं परसेंटेज लॉस की। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है परसेंटेज डिस्काउंट। डिस्काउंट बेसिकली क्या होता है? डिस्काउंट इज रिडक्शन एट द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसे कि आपको, जैसे आपको कोई चीज़, जैसे कोई किसी भी, जैसे आपको एक रेफ्रिजरेटर, जैसे आपको अगर रेफ्रिजरेटर है, अगर उसकी प्राइस 50,000 है, 50,000 उसकी मार्केट प्राइस है, और अगर उस पर 50% का डिस्काउंट लगा है, तो यानी उसकी मार्केट प्राइस में रिडक्शन हुई है, मतलब कि वो कम पैसों में डिस्काउंट के बाद कम पैसों, डिस्काउंट बेसिकली रिडक्शन होती है इन द मार्केट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। सेल प्राइस आफ्टर डिस्काउंट इज लेस देन द लिस्ट ऑफ, जो आखिर में जो वही मैं कह रही हूँ ना कि 50% अगर कम हो गया है 50,000 में से, तो उसका मतलब कि 25,000 का फिर वो रेफ्रिजरेटर बिकेगा, तो यानी उसकी जो सेल प्राइस, अब जो सेल प्राइस है जिस पे अब वो बिक रहा है डिस्काउंट के बाद, तो वो आपकी बेसिकली कहलाती है, तो वो फिर वो कम होती है आपकी जो मार्केट प्राइस पहले थी। ठीक है, तो सेल प्राइस आपकी क्या होती है? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट, और डिस्काउंट आपका इस तरीके से निकलता है मार्क प्राइस, जो आपको मार्क प्राइस है और जो सेल प्राइस हम दे रहे हैं उस तरीके से आप डिस्काउंट परसेंटेज निकालते हैं।
ठीक है, तो ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉपकीपर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एट अ परसेंट ऑफ द मार्केट प्राइस, इट मे बी 5%, 10% और एनी परसेंट। तो वो 10% या 5% का वो डिस्काउंट लगाते हैं। डिस्काउंट रेट का फॉर्मूला, ये डिस्काउंट का फॉर्मूला ये होता है, डिस्काउंट हम निकालते हैं डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, और डिस्काउंट रेट हमारा इस तरीके से निकालता है, डिस्काउंट पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे, फिर हम मार्केट प्राइस दी हुई होगी उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट रेट सबसे पहले हम डिस्काउंट निकालेंगे। अगर आपको एक जैसे दिया है शॉपकीपर वाला कि 50% का 5% का डिस्काउंट लगा है, रेट दिया हुआ है हमें इसमें, यानी इसमें हमें डिस्काउंट निकालना है। ठीक है, तो हम पहले डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस निकालेंगे। मार्केट प्राइस आपको 500 दी हुई है, आपका 25 आ गया, फिर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज 25। सेल प्राइस अपने आपको निकालनी है, जो अब जो सेल प्राइस आप जिस प्राइस पे आप बेचेंगे, तो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट हम कर देंगे, आपके पास वो प्राइस आ जाएगी जिस पे अब ये जो आपकी जो शॉपकीपर है ये शर्ट्स इस प्राइस पे बेच रहा है। तो ये आपके बेसिकली इस चैप्टर में फॉर्मूलाज लगेंगे आपके काफ़ी सारे, और फिर आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि मतलब ये याद करने की बात है कि आपको परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, परसेंटेज लॉस प्रॉफिट का, और डिस्काउंट रेट के फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये इन सब की जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, जो आपका सब टॉपिक है चैप्टर का, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होती है? इंश्योरेंस इज द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट इन विच अ पर्सन इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस टू हिज और प्रॉपर्टी और लाइफ। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होता है जिसमें एक पर्सन की प्रोटेक्शन होती है एट द रेस ऑफ रिस्क टू हिज और प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ। मतलब कि या तो प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस होती है या तो लाइफ की इंश्योरेंस होती है, मतलब एक एग्रीमेंट होती है। अगर बाई चांस अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है या किसी चीज़ की जिस चीज़ का एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन किसी व्हीकल की एक्सीडेंट हो जाए, तो ये चीज़ इन सब चीज़ों की इंश्योरेंस ये होती है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है जिसमें उसके राइट्स वगैरह पैसे उस पर पैसे लगे हुए होते हैं, तो वो ये इंश्योरेंस होता है। सही है, इफ़ अ पर्सन साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड पेज अ प्रीमियम टू इंश्योरेंस कंपनी ऑन अ मंथली ईयरली बेसिस इन रिटर्न, इंश्योरेंस कंपनी गारंटी करती है कि एनी गुड और मेक गुड एनी लॉस द पर्सन सस्टेन्स ड्यू टू लॉस और डैमेज। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली ये इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हैं कि ये मतलब कि वो हर महीने के हिसाब से प्रीमियम देते रहें, और फिर उनको फिर अगर बाई चांस अगर कोई अनसर्टनिटी हो जाती है तो फिर वो उससे को उसके फिर वो पैसे उस हिसाब से फिल करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस तो आपकी लाइफ की इंश्योरेंस होती है, इंश्योरर पे रेगुलर अमाउंट्स ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए करते हैं, लाइक अगर आपको 10 साल की लाइफ इंश्योरेंस है तो वो 10 साल तक प्रीमियम करते हैं, फिर उसके बाद आपको फिर पैसे मिल जाते हैं। सही है, अगर कोई इंसान उससे पहले मर जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी पेज द ओरिजिनल अमाउंट ऑन द प्रॉफिट अर्न ऑन द, तो फिर जो ओरिजिनल अमाउंट होती है जो बेसिकली जिस पे उन्होंने साइन किया होता है इंश्योरेंस का कि भाई हमें 10 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन वो उस पर प्रॉफिट भी देते हैं, जो उस पर मतलब कि उनके प्रॉफिट भी लगते हैं ना, ऐसे कि इंश्योरेंस कंपनीज की ऐसी कुछ स्कीम्स वगैरह होती हैं, तो वो ये करते हैं कि मतलब कि जैसे टोटल अमाउंट, लाइक अगर उनको 10 साल बाद लाइक 20 लाख मिल रहे हैं, तो वो हर हर ईयर के हिसाब से उनको कुछ प्रॉफिट भी होता रहता है, तो आखिर में जाके उनके 20 लाख से ज़्यादा ही पैसे बनते हैं जो आखिर में उनको जाके मिलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ इंश्योरेंस होती है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी हेल्थ की इंश्योरेंस होती है, और इसी डिज़ाइन टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट, जो लोगों के मतलब के इलनेस जो इंजरीज या किसी सर्जरीज वगैरह के लिए जो होती है वो कवर करने के लिए ये आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। सही है, और आपकी लास्ट होती है व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल इंश्योरेंस जो होती है वो किसी कार्स एंड मोटरसाइकिल को इंश्योर कराते हैं कि बाई चांस अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, टूट गई या कुछ भी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई, तो वो जो चीज़ है पॉलिसी होल्डर पेज रेगुलर प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी विच देन रीपेज द अमाउंट अलॉन्ग विद प्रॉफिट। ये भी यही होता है कि वो अलॉन्ग विद जैसे वो रेगुलर प्रीमियम्स देते हैं, फिर वो जो मतलब कि अगर इन केस ऑफ सर्टेनिटी इंश्योरेंस सर्टेनिटी की केसेस में मिलती है कि विद प्रॉफिट इन केस द व्हीकल गेट डैमेज, तो फिर उनको फिर वो प्रॉफिट के साथ वो अमाउंट मिलती है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द मार्केट वैल्यू ऑफ कार डिक्रीज ओवर टाइम। ये जो चीज़ होती है अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिटरमाइन इन रिलेशन टू द वैल्यू ऑफ व्हीकल, दिस बिकॉज क्योंकि मार्केट वैल्यू जो होती है कार की वो डिक्रीज होती है विद ओवर टाइम। ये हमेशा होता है कि अगर आपकी कार की
आपकी अगर कार, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 2020 में कार खरीद रहे हो और अगर आप उसे 2025 में बेचना चाहोगे तो वो उससे कम प्राइस में बिकेगी जो आपने 2020 में खरीदी है, क्योंकि जो व्हीकल होती है उसकी जो मतलब कि नई गाड़ी, ऑब्वियसली जो नई गाड़ी होती है उसकी प्राइस ज़्यादा होती है। अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी बेचोगे तो उसकी ऑब्वियसली प्राइस कम प्राइस में ही बेचोगे, वो ज़्यादा प्राइस में बिकेगी भी नहीं, क्योंकि व्हीकल की जो वो होती है मार्केट वैल्यू, वो एज पर एयर उसकी वैल्यू कम होती रहती है। और ये जो चीज़ कहलाती है ये बेसिकली आपकी कहती है डेप्रिसिएशन कहलाती है, सही है। तो ये डेप्रिसिएशन होती है कि मतलब मार्केट वैल्यू आपकी, मार्केट वैल्यू एज पर आपकी जो ख़त्म होती रहती है ओवर टाइम, जो मार्केट वैल्यू आपकी साल के हिसाब से कम होती रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका टॉपिक टैक्सेस, जो लास्ट टॉपिक है आपकी प्रेजेंटेशन का। टैक्सेस एक्चुअली होता क्या है, पीपल ऑल्सो पे, अच्छा वी हैव लर्न अबाउट प्रॉपर्टी टैक्स एंड जनरल टैक्स एंड बुक्स 7, प्रॉपर्टी टैक्स और जनरल सेल्स टैक्स आपने 7 क्लास में पढ़े थे। इनकम टैक्स आपका क्या होता है, द गवर्नमेंट रिक्वायर्स द पीपल हु अर्न मोर देन सर्टेन अमाउंट, जो ज़्यादा पैसे, जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं बेसिकली इनकम टैक्स वो लोग पे करते हैं टू द गवर्नमेंट एवरी ईयर। इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज अ टैक्स ऑन द एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, ये क्या होता है, ये इसको डिफाइन करते हैं, ये टैक्स होता है जो एनुअल इनकम, जो साल की इनकम पे लगता है ऑफ अ पर्सन अबव द लिमिट, जो अबव द लिमिट बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा होता है उस पे लगता है, स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट एट द रेट डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बताती है और वो रेट भी बताती है कितने रेट के हिसाब से उनका टैक्स उनकी एनुअल इनकम पे लग रहा है। नो नॉट ऑल टाइप्स ऑफ इनकम, जो इनकम टैक्स सब्जेक्ट इनकम टैक्स नहीं होते। गवर्नमेंट ऑल्सो अलाउ पीपल हु अर्न सर्टेन टाइप्स ऑफ इनकम टू इंक्लूड एक्सक्लूड दोज अमाउंट फ्रॉम द एनुअल इनकम, फिर वो एनुअल इनकम से भी कुछ अलग करते हैं, वो आपकी एक्सेम्प्ट इनकम कहलाती है, जो हु अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम टू एक्सक्लूड दोज अमाउंट फ्रॉम देयर एनुअल इनकम, तो ये आपकी एक्सेम्प्ट इनकम कहलाती है। अब टैक्सेबल इनकम क्या होती है आपकी, टैक्सेबल इनकम होती है द अमाउंट और इनकम विच इनकम टैक्स हैव टू बी पे विच इज़ नॉट एक्सेम्प्ट इज कॉल्ड, जो इनकम टैक्स को पे करनी, जो इनकम टैक्स हैज़ टू पे, जिस पे इनकम टैक्स आपको पे करना ही होता है, वो आपकी टैक्सेबल इनकम कहलाती है। द गवर्नमेंट रिक्वायर्स पीपल अर्निंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम टू पे टैक्सेस एट डिफरेंट रेट, तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ मतलब कि जाहिर है, जाहिर है मिडिल क्लास लोगों से वो ज़्यादा टैक्स नहीं लेते, हाई क्लास लोगों से ऑब्वियसली ज़्यादा टैक्स लेते होंगे, और लोअर क्लास तो खैर इतना टैक्स नहीं लेते होंगे। तो ये हर किसी के उस भी इनकम पे वेरी करता है ये इनकम टैक्स, ठीक है। दिस इज डन सो दैट द अर्निंग लेस हैव टू पे लेस टैक्सेस और विद हायर, जो यही बात मैंने आपको कही कि मतलब कि जो जो आपके हाई पीपल, जो आपके हाई क्लास पीपल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, वो लोग ज़्यादा इनकम टैक्स पे करते हैं, और जो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं जिनके पास, उन पे आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप पे टैक्स लगा जाता है, तो ये बेसिकली कहलाती है आपके टैक्सेस, सही है क्लास। तो बेसिकली अब आपका इसका ख़त्म हो गया है टॉपिक, ये आपकी बेसिकली एक्सप्लेनेशन का था। आई होप आप लोगों को ये चारों जो मेन टॉपिक्स थे इस वीडियो के समझ में आए हो। अगर आप लोगों को कोई भी समझ में ना हो, कुछ भी समझ में ना हो, तो आप लोग मुझसे लाइव क्लास में या फिजिकल क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके क्लास, ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।